हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा। एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा यूट्यूब चैनल में आपण मानको स्वागत जनाउची। डियर स्टूडेंट्स, आज हमर नवम श्रेणी रो हिस्ट्री अछि, तो न्यू सिला तुम जो रही टाइम टेबुल हो जाइए, आम टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छी जाइक जॉइन होकर देखिपार। तो आम पढ़ा प्रथम अध्याय आम पढ़ुते विश्वर केतक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति, तार प्रथम पाठ रही कौन ना एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद। तो आम कौ जाए पढ़ी ना आम आज पढ़ा ये पढ़ाई आज पढ़ा चीन रे इंग्लैंड रो प्रभाव विस्तार कौन रही आम जानवा। तो वीडियो आरंभ करने आगे जदि आप चैनल नुआ अच्छा तो चैनल वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करूँ, चैनल को जब सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन दबाई अल् नोटिफिकेशन अन कर दिखाँ, जहाँफल आम छात्र वीडियो मान सर्वप्रथमें आप देखिपर। सो डियर स्टूडेंट्स, चीन रे इंग्लैंड रो प्रभाव विस्तार कौन रही चीन रे इंग्लैंड रो प्रभाव विस्तार ना चिंग्रेज मैंने चीन रु चा और रेशम क्रय करी यूरोप रे विक्रय करथिले, किंतु चीन रे इंग्लैंड रो उत्पादित द्रव्य विक्रय हो पार नथिला। इंग्रज मैंने भारत रे अफिम चाष करी चीन सहित बेआईन अफिम व्यवसाय कले। चीन एक अफिम बोझ जहाज को जबत कर समस्त अफिम को नष्ट करदे, फल 1849 मसीह इंग्लैंड रो चीन मध्य विरोध में युद्ध करकेश से परास्त कर। यही युद्ध को अफिम युद्ध नाम कहुए केत मसीह ना पाने मन रखिए सर्ट क्वेश्चन आसी जाए। यूर 1849 मसीह क्यों युद्ध करा नाम नामित होता ना अफिम युद्ध क्या क्या मध्य होता ना इंग्लैंड आउ चीन विरोध में होता ठीक अच्छे। तापर आसला कौन ना युद्ध पर इंग्लैंड चीन इंग्लैंड को क्षतिपूरण देता इंग्रजर व्यवसायी कपाई दुईट परिवर्तन पांचटी बंदर खोलवाक पड़ता एवं हांगकांग द्वीपर इंग्लैंड को हस्तांतर कर। चीन विभाजन, चीन विभाजन कौन जाणी ना कोरिया उपरे जापान रो प्रभाव विस्तार करने को उद्यम करने फल जापान और चीन मध्य युद्ध होता एथिरे चीन परास्त हो कोरिया को स्वाधीनता प्रदान कला एवं जापान को फर्मोजा एवं अन्यान्य द्वीप समर्पण करने 150 लाख डॉलर क्षतिपूरण देवाक बाध्य होता। तुम्हें जाच कि केतोटी पुरातन नाम को वर्तमान नाम आम चेंज हो विषय आम जाना। तो देख कौन रही फर्मोजा जो रही तार नुआ नाम हो ताइवान वर्तमान जहाँ नाम पर्तुगीज गिनी को गिनी बिसाऊ, हॉलैंड को नेदरलैंडस लैंडस, तापर आसा टोगालैंड को टोगा, मालय को मलेशिया, बर्मा को म्यांमार, कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तानबुल, रोडेशिया को जिम्बाब्वे, तापर आसा पर्सिया बा पारस्य को ईरान, बेचुआनाल को नालैंड को बोट्सवान ठीक अच्छे, मेसोपोटामिया को इराक, बसुतोलैंड को लेसोथे, तापर आसला बेल्जियन कंगो को कंगो गणतांत्रिक साधारणतंत्र कह जांजिबार और टांगानाइका को टांजानिया, स्वर्ण उपकूल को घाना, फरासी कंगो को कंगो साधारणतंत्र कह न्यासलैंड को मालवी, दोहमे को बेनिन, रुआंडा उरेंडी को बुरुंडी और रुआंडा कह फरासी सुदान को माली, फरासी सोमालीलैंड को कौन जीवित जीवित, तापर ऊपर भेल्टा को बुर्किना फोसो, तापर ब्रिटिश इटालिया सोमालिया सोमालीलैंड सोमालिया ताकू करा जाए कौन नहीं पुरातन नाम ये रोचे कौन ना ब्रिटिश इटालिया सोमालीलैंड ताकू सोमालिया बा सोमालीलैंड बोली कहुच्छे साधारणतंत्र ठीक अच्छे। तापर आसला आबिसिनिया को इथियोपिया कहुच्छे। आसवा पढ़ा आगु तो विषयटी बड़ अच्छे आज हम अल्प पढ़ा कहीं मोटे काम अच्छी। तो बर्तमान ये पढ़ा हॉलैंड नियंत्रण विस्तार आम आगे पढ़ा यही क्षतिपूरण देवाई चीन को साहय कर जर्मानी रूसिया और फ्रांस इंग्लैंड चीन को भाग भाग कर कर्तृत्व परिसर बांटि नहीं। जर्मानी और कियाचाओ उपसागर एवं साटुंग एहांग हो उपत्यकार स्वतंत्र अधिकार पाइला। रूसिया मंचूरिया रेलपथ निर्माण अधिकार सहित लियातुआंग को द्वीप उपद्वीप को पाइला उपद्वीप पाइला। फ्रांस कंगाचाओ उपसागर
ଉପସାଗର ଓ ଚୀନର ତିନୋଟି ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ୟାଙ୍ଗସି ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ ହୁଇହୁଇ ଲାଭ କଲା। ଚୀନର ଏହି ବିଭାଜନକୁ ଚୀନା ତରଭୁଜର କର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା କଟିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ମେଲନ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଚୀନକୁ ଯେହେତୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁକି ଏହି ବିଭାଜନକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଚୀନା ତରଭୁଜର କର୍ତ୍ତନ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଯେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା କଟିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ମେଲନ୍। ସୋ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜି ମୋର କାମ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଛୋଟ ରହିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଛାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।